इतना फर्क है इन दोनों भाइयों में, कहां ये इतना प्यारा रिस्पॉन्सिबल ओबीडियंट। एक वो है एक नंबर का गधा, नालायक, निकम्मा। अबे तो मेरे बारे में बात हो रही है, इरिस्पॉन्सिबल है। जितना बड़े को समझदार होना चाहिए ना उतना ही बेवकूफ है। अब क्या कर दिया मैंने। हाँ इसे एक बार कहा पढ़ने बैठ गया, और तू लिख के ले ले, वो अभी भी नहीं पढ़ रहा होगा, बोर्ड है उसका। मम्मी भैया ना फोन से बहुत प्यार करते हैं, वो ले लो सुधर जाएंगे। फोन की बात करते खाने को दौड़ता है मुझे। मम्मी बड़ी तो आप हो ना, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। ये चिरकुट मेरा फोन छिनवाएगा, अब देख बेटा कैसा गेम खेलता हूँ मैं तेरे साथ। किसके लिए बजा रही है, बड़े वाले को तो सुनता ही नहीं, छोटा ही आएगा बस। निंतु इन दोनों की फाइट करा, पांक। बड़ा मजा आएगा, स्पाइडरमैन में वल्वरीन तू, देखते हैं कौन जीतता है। ले तू लगा रहे, मैं चला आरती में। भैया वल्वरीन जीत गया था। आ गया हमेशा की तरह लेट। दोनों इतनी फुर्सत से बैठे हो जैसे एग्जाम खत्म हो गए हो। जाओ पढ़ाई करो अपनी। मम्मी बस थोड़ी देर और देखने दो ना। तेरा मन कभी नहीं भरता इन चीजों से, तो ये तो याद कराना पड़ता है कि तेरे बोर्ड्स भी हैं। भैया मैं तो जा रहा हूँ। जा तू भी अब, उस छोटे बच्चे से ही सीख ले कुछ। भैया मम्मी को बता दो कि आप पढ़ने की बजाय फोन चला रहे हो। अच्छा मिंकू तेरे को नोरा फतेही बहुत पसंद है ना। हाँ उसका नया गाना है देखेगा। हाँ ले। अब मैं तेरी तरह नहीं शिकायत लट्टू, मम्मी को नहीं बताऊंगा। आज इस हीरे की चमक धूमिल करता हूँ। बस हो गई तेरी पढ़ाई, उस बच्चे से ही सीख ले कुछ। मम्मी वो जो सीख रहा है ना, मुझे सीखना ही नहीं है, वो जाके देख लो वो क्या कर रहा है। एक पूरी जो हमारी क्वांटिटी है होल, उसका इक्वल पार्ट होंगे यानी के बराबर हिस्से होंगे। हाँ ऐसा तो कभी बन भी नहीं सकता। सो जा रिंकू, सुबह जल्दी उठना है, कितना मजा आता ना कल की छुट्टी होती तो। हाँ। तू सारा दिन कार्टून देखता, PS4 खेलता, मैं सीरीज देखता। हाँ। छुट्टी करनी है। हाँ भैया कैसे। तो ठीक है, मुझे बुखार है और तुझे पेट में दर्द है। पर मेरे तो पेट में दर्द नहीं है। अबे मम्मी को बोलना है सुबह। अच्छा कुछ गड़बड़ ना करियो, कार्टून PS4। चल सो जा अब। मिंकू कहाँ है, स्कूल नहीं जाना, लेट हो रहा है। पता नहीं आपका लाडले रात को ही कह रहा था कि मैं तो स्कूल जाने का मन नहीं है, मैं बहाना बना दूंगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कार्टून देखूंगा घर पे बैठ के। अच्छा ये कह रहा था। हाँ आप ही को बड़ा सीधा लगता है ना वो। लाओ मेरा टिफिन तो दो। देख के आती हूँ। मिंकू मम्मा मेरा टिफिन रेडी हो गया। हाँ बेटा। भाई साहब कितना तेज है ये। तुझे तो बचपन से तेज ही लगता है ये। हाय मिंकू। हेलो। पाँ। इस बार नहीं बचेगा ये पक्का। आ गया मिंकू। हाँ? बड़ी तारीफ करती हूँ ना उसकी, जाके देखो कैसा हाल मचाता है जब स्कूल से आता है। अब क्या कर दिया उसने। लाइव दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ। अब देखना आप सामान कैसे फेंके गए। पाँ। अभी टायर आई कार्ड देखना ठीक है। पाँ। पाँ। रोज पंखे पे टंगाता है ये। हो गया तेरा, बस रहने दे। मिंकू बेटा खाना लगा दो। जी मम्मा मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। बहुत कमीना है, मेरे बस का नहीं है सारा ना। पापा कल मेरी स्कूल ट्रिप जा रही है, मेरे को 2000 रुपीज जमा कराने हैं, दे दो। मेरी एक जैकेट टंग रही है बेटा रेड ब्लैक कलर की ना, वो लेके आ। ये ले पापा।
इसमें तो पैसे ही कम है। 2000 का नोट था इसमें। रश्मि तूने लिया क्या? 2000? नहीं माधव, तूने लिए? नहीं पापा, मैं क्यों लूंगा। पापा वैसे मैंने 1 2000 रुपीज भैया की पैंट में भी देखे थे। तू पागल है, क्या बोल रहा है? पापा आप जाके देख लो। पापा मुझे नहीं पता है कहाँ से है। तू चोरी भी करने लगा? मैंने नहीं चुराए। तू रोज चुरा रहा है बेटा, रोज कम मिल रहे हैं मुझे पैसे। अरे रोज क्यों चुराएगा ये? मुझे ना रोज कम मिलते हैं पैसे। कैसी बात कर रही हूँ, मुझे क्यों चाहिए होंगे पैसे? इसका सारा बाहर आना जाना ना दोस्तों के साथ सब बंद, हमारे साथ जाएगा जहाँ जाएगा। देखता हूँ कहाँ जरूरत पड़ती है इसको पैसों की। पापा सुनो तो। बस क्या है, कहाँ से आए ये पैसे? भैया ऐसे खेलते हैं गेम। साले मिंकू, 100 सोनार की एक लोहार की। हेलो गाइस, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने भाई बहनों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाय।